हिप हिप हुर्रे। खाना नहीं मिले, खाना भाई साहब घर में जगह ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। वीडियो के लिए फेमस है ये। नहीं ऐसा नहीं है यार। चले जी आप ये लगा। दीपक भाई की किचन जहाँ से हम खा रहे हैं राजमा चावल। हम हो गए थे लेट, इनकी वजह से हम पहुँच गए हैं यहाँ पे टाइम से, वरना पहुँचना बात है बिल्कुल भी। चलिए पहुँच गए ना बस। ये देखो सामने हमारे मनीष भाई, कल इन्होंने टेंट में तोते बिठाए थे और आज ये पहुँच गए वॉशरूम ढूंढ के वॉशरूम के अंदर, और अब आ रहे हैं पूरा फ्रेश हो गए सुबह सुबह बिल्कुल मौज में तसल्ली से बढ़िया तरह मौसम के। जल्दी उठ गए। हाँ जी, कभी इस बारिश के मौसम में कौन खड्डा खोदे। खड्डा तो आसानी से खुद जाता है इस टाइम तो। खुद जाता पर ये है सुबह उठने का कुछ तो फायदा लेना चाहिए। हाँ ये है, तोते बिठाए, तोते यहाँ पे बिठा दिया आपने। सबसे पहले उठ गए, क्लीन मिल गई टॉयलेट, ये तो है। हाँ और ये है पर ये है टॉयलेट क्लीन भी करके आए हम, ताकि दूसरे आने वाले भाई को कोई परेशानी ना हो। तो हमारी गुजारिश है जो भी यूज करे अपने क्लीन करके निकलिए, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है मनीष भाई। सफाई तौर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भैया, ये तो सही बात है। जो भी हम यहाँ पे अगर मान लो गंद वंद छोड़े वो गार्बेज जरूर कैरी करना चाहिए, ये हम हर व्लॉग में बोलते हैं अपने। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मनीष भाई फ्रेश हो गए आ चुके हैं, मैं उनसे हालांकि मैं उनसे पहले जाके मैं फ्रेश हो के आ गया था, पर ठीक है बहुत अच्छा मौसम है। देखो सुबह हो चुकी है एंड अ लवली गुड मॉर्निंग। बिल्कुल वेरी नाइस। फास्ट लोग है बहुत करना। हां जी गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग भाई। एज 5:30 मॉर्निंग में 15 मिनट के लिए बारिश बहुत ज़्यादा देर आई थी और अभी भी चांसेस लग रहे हैं, तो हम सब लोगों ने प्लान किया है कि हम सब अपनी पैकिंग स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ से एक प्लेन एरिया पे निकल जाते हैं जो सेफ़ हो, क्योंकि अगर बारिश तेज आ गई तो हम सब का यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। खाना नहीं बनेगा, खाना भाई साहब घर में जगह ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। बाजी क्या 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 वीडियो बनाई थी आपने रात? मेरे पास इनका राज ऐसा छुप गया ना करोड़ों का, भाभी को बता दिया तो भाई साहब ये घर से बेदखल हो जाएंगे, ये प्रॉपर्टी से बाहर हो जाएंगे, ये फिर खाली कैंप लेके घुमा करेंगे अपने गाड़ी में अकेले अकेले भटकती है। इनको किराएदारों के साथ एक कमरा दिया जाएगा ऊपर, ये सोलो कैंपिंग पे निकल जाएंगे ब्राह्मण के लिए। चलो जी चेयर्स टू आवर फर्स्ट कैंपिंग। अब चलो जी अब निकल रहे हैं कैंप लोकेशन से और हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज की तरफ। मैक्लोडगंज जाएंगे, दिखाते हैं आपको कैसा है वेदर। सुबह बारिश आ गई थी, उसके बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था तो 3-4 घंटे शूट कुछ नहीं किया, पैकअप वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया। तो अब निकल रहे हैं मैक्लोडगंज की तरफ, सोचा आपको दिखाते हैं कैसा रहेगा और मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि मौसम लिटरली बहुत अच्छा है। जाने का मन हो नहीं रहा पर जितनी भी गाड़ी आई थी सब निकल के, हम लेट लतीफ है सबसे जो निकल रहे हैं। हमेशा की तरह आज भी हम लोग भूल गए हैं रास्ता, मेरे को जो सिंपल सा रास्ता याद था तो आगे वाले भाई साहब कहते हैं कि भी इस वाले रास्ते चलते हैं, पर यही एक भयानक सा तो नहीं बोलेंगे पर हाँ थोड़ा
थोड़ा सा डरावना सा रास्ता है, देखो कैसे कैसे टर्न्स हैं, बिल्कुल पतली पतली सी रोड्स हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगी। पर हाँ, ये एडवेंचर तो हमारा चलता ही रहता है, हम कहीं भी जाएं, कहीं भी कुछ भी हो, पर हम ऐसे रोडों जरूर भटकते हैं। और अब पहुंच गए देखो कैसे कैसी रोड पे, जंगलों के बीच में जा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कोई आगे से कुछ आ गया तो हम निकल भी पाएंगे। देखते हैं, चलो आगे चलते हैं कैसा रहेगा। जब हम कैंप साइट आए थे, ये दोनों गाड़ियां जो आगे जा रही हैं, इनका आने में भी एडवेंचर हुआ था और अब जाते वक्त भी इनका एडवेंचर हो रहा है, इनका एडवेंचर खत्म ही नहीं हो रहा। ये दोनों कैंप साइट पहुंचे थे और बड़े मुश्किलों से, और अब फिर ये बड़ी मुश्किलों से वापस जा रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैंप का तो बहुत अच्छा रहा है, पर हम कैंप तक पहुंचने का और कैंप से निकलने का रास्ता मेरे को तो नहीं लगता इनका बहुत अच्छा रहा है। इनका रिव्यू लेंगे अब ये बाहर निकलते हैं, जहां भी रुकेंगे इनसे पूछता हूं मैं कि भी कैसा रहा आपका। मैक्लोडगंज के रास्ते जाते हुए हमें मिला है बहुत सारा ट्रैफिक। वीकेंड्स पे ट्रैवल करना है तो ट्रैफिक को तो आपको सहन करना ही पड़ेगा, पर हाँ सही है, अभी जाएंगे ऊपर देखते हैं। हमारे साथ के काफ़ी सारे लोगों ने तो यू टर्न मार लिया है, वो अब चले गए हैं डल लेक। पर इस लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, हम मैक्लोडगंज आए थे तो यू टर्न मारना पड़ा, पर इस बार तो हम जाएंगे ऊपर तक, देख के आएंगे फिर दिखाएंगे आपको। ये हमारा सारा ग्रुप आ रहा है जो तैयारी करके आया है पूरी की भी चाय बनाएंगे, वाटरफॉल के अंदर जाके इनका मन है कि चाय बनाएंगे। चलो अब चलते हैं, देखते हैं कि बन पाएगी नहीं बन पाएगी, पर अपना सेटअप हम लेके चल पड़े हैं पूरा। चलो चलो देखते हैं कैसा रहता है। हमारी भाभी जी जो बिल्कुल तैयार है, ये देखो बेस्ट यूज हो रहा है हमारी केतली का, जिसमें कट रहे हैं प्याज और इसी में मैगी बनेगी। पूरा ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा रहेगा। ये हमारी दूसरी भाभी जी बच्चों के साथ पूरा एंजॉय करते हुए। ये हमारी तीसरी भाभी जी जो गैस को संभालेंगे, वो साइड में रखा हुआ है। और ये चौथी इन सबकी भाभी बैठ के मौज काट रही है, डब्बा पकड़ के बैठी है, बस कुछ नहीं करना इसने। गाइस ये देखो, आज तक जिसने भेड़ पूरी बनाई नहीं कभी घर में, कभी पैकेट नहीं खोला, वो आज वाटरफॉल में बैठ के
भेल पूरी ऐसे ही बना रहे हैं, देखते हैं क्या बना पाते हैं। गाइस ये देखो यहाँ पे बैठ के भेल पूरी मैंने ही बनाई है फाइनली। ये पक्का बावर्ची है। बिल्कुल बावर्ची नहीं है ये, आपको लग रहा है आज ये हमारे पाजी हैं, इन्होंने किचन पूरा बैग में बना लिया है। लोग गाड़ियों में बनाते हैं, इन्होंने बैग में बना लिया है। गाड़ी तो गाड़ी जहाँ नहीं जाएगी वहाँ क्या करोगे आप, पेट में टांगो। ये बैग जाएगा, इसमें देखो क्या क्या है। कोल्ड ड्रिंक निकाल लिया इन्होंने, ये गिम्बल निकाला है, स्नैक्स है, मैगी है, बिस्किट है, ये क्या है, भेल पूरी है। गैस भी इन्होंने इसमें से निकाल लिया है, वाटर बॉल भी यहीं से निकल रहा है। हमारा सेटअप आज का कुकिंग वाटर बॉल के साथ, अलग मजा अलग फील, देखते हैं कैसा जाता है। ट्राई करेंगे इसमें बनाने की, दो बंदों की चाय की केतली है, पर देखते हैं कैसी बनती है। साथ में लाए थे एक चम्मच है हमारे पास, एक पानी की बॉटल और एक ग्लास में ऑयल है। इतना बजटेड हमने सेटअप किया अपना, कोई किचन कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक गैस चूल्हा चाहिए, कहीं भी लगा लो और खाना पकाओ। अभी देखो बंदे कितने सारे हैं, हम तीन ये रहे, चार पाँच नीचे बैठे हैं, चार हो रहे। इन सब की मैगी बनेगी छोटे से इसमें कंटेनर में, देखिए कितना मजा आएगा। बनाते हैं फिर खाते हैं। ये देखो पहाड़ों की मैगी, ये रियल पहाड़ों की मैगी है, ये खरीद के नहीं खा रहे, ये हम खुद बना के खा रहे हैं। मित्रों बुजुर्गों ने नहीं, मैगी है तैयार, आ जाओ। इन्हों का प्यार डे बाय डे बढ़ी रहे, कम नहीं हो रहा। इनका पता भी क्या है, ये क्या करते हैं, भाभी जी ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे ना कड़छी चलाई है पूरे उसमें, और हमारे बड़े भाई हैं, सब उनका किया था, बर्तन उनके, सब उनका सेटअप, उनका सब उनका किया। बट दे आर वेरी नाइस, इन्होंने कल हमें बिना कहे, हमने कुछ नहीं बोला, हमें खाना खिलाया, बहुत अच्छा, लवली, ट्रूली वेरी नाइस। अच्छा चलो चलो जल्दी ठीक हो, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा घर पे। सारा सच नहीं बोलना, मैं भूल गया था कि भी सच नहीं बोलना होता, बाहर तो यही दिखाया कि भाभी ने सब बनाया है, घर पे आप कुछ भी करो कोई नहीं, घर की बात नहीं बताएंगे आगे से, गलती होगी अब नहीं बताएंगे। नहीं झाड़ू पोछे वाले नहीं बताई मैंने, सिर्फ वो बताई है कि जो सब्जियां काटी थी, सब्जियां काटी थी वो बताई है बस, बनाने वाली भी नहीं बताई मैंने। ये हमारे कपल 2040s के हैं, अभी एक रोमांटिक मोमेंट करके दिखाएंगे हमें, देखिए। कोई नहीं जस्ट फोकस गाइस, देखना अभी भैया वो लिफ्ट वाला, और नजारा ही बांधता, ओए नजारा ही, ओए मजा आ गया। इनके आगे ना स्कूल वाले कपल, कॉलेज वाले कपल, ऑफिस वाले कपल, एक्स्ट्रा मैरिटल वाले कपल, सब फेल है। चाय बनाने के लिए केले का इस्तेमाल है, कोई नहीं छोड़ो इसको,
आगे यूज ही नहीं होना होगा, दूसरी खेत में लेके आएंगे। ये तो एक रील बनाने के लिए लिया था मैंने, वो बन गई है। ये देखो, ये तीन महिलाओं के कंट्रीब्यूशन से ये बनी है चाय, पर कितनी अच्छी बनी होगी। और ये चीनी लाना भूल गया। चलो जी, इट्स फाइनल टाइम टू से गुड बाय टू मैक्लोडगंज। अब हम जा रहे हैं धर्मशाला की तरफ। धर्मशाला जो हमारे दो फ्रेंड्स है वो रुक जाएंगे, हम निकल जाएंगे आगे, हम जाएंगे पालमपुर की तरफ। हम रुक रहे हैं अपने एक दोस्त के पास, वहां रुकेंगे और थोड़ा सा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और उसके बाद फिर कल दोबारा फिर हम सब मिल जाएंगे और हम निकल जाएंगे दोबारा अपने डे टू डे लाइफ, जो हम रेगुलर लाइफ जो जीते हैं उसकी तरफ निकल जाएंगे और जियेंगे वही लाइफ।